सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुँचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वह तो सबके लिए अकेला ही काफी है। जब दुख दिखे और बहुत परेशान करे तो दुख से कहो, सुख टिका नहीं तो टिकेगा तू भी नहीं। आपकी तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती, आप अपनी तकलीफों से दूर हो सकते हैं। आज का पंचांग 16 सितंबर 2020, दिन बुधवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, सम 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र दोपहर 12:20 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:21 से 1:52 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर शाम 7:14 तक रहेंगे। इसके उपरांत कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। कर्क राशि 16 सितंबर 2020, दिन बुधवार, आप अभी दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। कड़ी मेहनत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अपने काम पर ध्यान दें और छोटे विवादों को अनदेखा करें। दुर्घटनाओं और चोट से बचने के लिए सड़क पर ख्याल रखें। आपके अधीनस्थ आपसे प्रेरित हो रहे हैं। वित्तीय सुरक्षा आज आपकी सूची में पहले नंबर पर रहेगी। अगर आप व्यापार में कोई जोखिम लेने वाले हैं तो सोच समझकर ही निर्णय लें। महत्वाकांक्षी होना अच्छा है किंतु लालची ना बने। मनुष्य का हर दिन एक नया अवसर है जीवन में कुछ नया और अच्छा करने के लिए। आज किसी प्रिय मित्र के आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है और ऐसा करने से आपको आत्मिक खुशी ही मिलेगी। संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की प्रोग्राम बनेगा। शिक्षण संबंधित काम आपको पसंद भी है और उसमें आपको तरक्की आसानी से मिलेगी। परिवार के सदस्य आज अपनी समस्या का समाधान आपकी मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। आज आपको अध्यात्म में आनंद मिलेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। सावधानियां, अनजाने में ही घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मान में कमी या अवहेलना करना उन्हें आहत कर सकता है। अपने पारिवारिक मामले में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें, अन्यथा घर के सदस्यों में गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ की बात करते हैं। दुश्मन या विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ आपको निराश नहीं करेगी। प्यार के इन पलों से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 7वें आसमान पर हैं। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन किसी विश्वसनीय व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। आप आज शानदार जीवन शैली की उम्मीद कर रहे हैं जिससे आपको नाम शोहरत और पैसा सब कुछ मिले। इन सब का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। जीवन साथी के साथ रोमांटिक डिनर की संभावना है। करियर की बात करते हैं। अपनी मेहनत और अलौकिक शक्ति का सही प्रयोग करके आप धन और भौतिक सुरक्षा के मामले में समृद्ध होंगे। दिनचर्या में बदलाव करके आप अपने कर्तव्य का भली भांति से पालन कर सकते हैं। धन संबंधित जोखिम से बचें, क्योंकि ऋण लेना आपके लिए हानिकारक होगा। आज एक गहरी सांस लेकर यह निर्धारित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कौशल के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और तर्कसंगत रहें। सेहत की बात करते हैं। अपनी अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करें। अगर आपने हाल ही में व्यायाम छोड़ा है तो
आज आप पहले जैसी हो सकती हैं। अगर आप अपनी जीवन शैली को और बेहतर ढंग से बनाएंगे तो आपकी सेहत और मजबूत बनेगी और डॉक्टर के पास भी कम जाना पड़ेगा। आज का उपाय, आज आप गणपति जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।